रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया रायपुर पहुंचे हैं। स्मार्ट सिटी के कमांड और कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है, तो सीएम डॉक्टर रमन सिंह मौजूद हैं, इसके साथ कई मंत्री भी मौजूद हैं। तो बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं पीएम मोदी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और प्रधानमंत्री पहुंचे हैं रायपुर। स्मार्ट सिटी के कमांड और कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है, तो छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत कई मंत्री मौजूद हैं, बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं पीएम मोदी, उनसे संवाद कर रहे हैं। और स्मार्ट सिटी के कमांड और कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं स्मार्ट सिटी के कमांड और कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है उन्होंने। छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद हैं, इनके साथ ही बताया जा रहा है कई मंत्री भी वहां मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जवानों को तैनात किया गया है। तो कमांड और कंट्रोल सेंटर बहुत ही अहम माना जा रहा है छत्तीसगढ़ के लिए। और रायपुर से एक थोड़ा दूर ही नए रायपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये सेंटर नया रायपुर में बनाया गया है, जहां सीएम डॉक्टर रमन सिंह, कई मंत्री मौजूद हैं इस पूरे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो ये बटन दबाकर ये पर्दा खोला गया और स्मार्ट सिटी के कमांड और कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। सीएम रमन सिंह भी इस पूरे मौके पर मौजूद हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट ब्यूरो चीफ मोहित साहू जुड़ चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिलीप साहू जुड़ चुके हैं। जी दिलीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया रायपुर पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी, सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं, और साथ ही छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। जी हम आपको बताना चाहेंगे करिश्मा जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ रायपुर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के साथ ही साथ उनको उनका स्वागत मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा सारे मंत्रिमंडल के सदस्य उनका स्वागत किए, उनके स्वागत के लिए पहुंचे। इसके साथ ही साथ एयरपोर्ट से डायरेक्ट नया रायपुर पहुंचे, जहां पर फ्लाइट कंट्रोल कमांड का उद्घाटन किया उन्होंने, और उसके साथ ही साथ बच्चों से भी चर्चा की, बच्चों से भी मुलाकात की। और उसके बाद अभी नया रायपुर में ही पुलिस हेडक्वार्टर है, वहां चले गए हैं। पुलिस हेडक्वार्टर से वहां एमआई हेलीकॉप्टर के द्वारा भिलाई जाएंगे, भिलाई के जयंती स्टेडियम पर वहां उनका हेलीकॉप्टर से भिलाई पहुंचेंगे। उसके बाद 12 बजे जयंती स्टेडियम पहुंचेंगे और वहां से हेलीपैड के द्वारा सीधा भिलाई स्टील प्लांट पहुंचेंगे और वहां भिलाई स्टील प्लांट का जो नया एक्सपांशन हुआ है उसको पूरा निरीक्षण करेंगे। 20 मिनट का वहां का पूरा कार्यक्रम उनका। उसके बाद 12:30 बजे वो वापस जयंती स्टेडियम पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर। वहां पर एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया है, आम सभा को वो संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ 5 अन्य कार्यक्रम है जिस सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और फिर उसके बाद 2 बजे जयंती स्टेडियम से वापस रायपुर एयरपोर्ट के लिए वहां हेलीकॉप्टर से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रायपुर एयरपोर्ट से फिर उनका 2:20 से दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे। जी दिलीप, जाना चाहेंगे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बारे में, क्योंकि बहुत ही अहम माना जा रहा है ये सेंटर। जी कमांड एंड कंट्रोल सेंट्रल एक सेंट्रलाइज सेंटर है स्मार्ट सिटी के, उसमें इसमें बनाया गया है इसको। और यहाँ से पूरी जितनी योजनाएं हैं सरकार की और पूरी नियंत्रण होंगी पूरी छत्तीसगढ़ में, जितनी सुविधाएं हैं, जितनी योजनाएं चली है, और साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से जितनी व्यवस्थाएं की गई है, उन सारी चीजों के एक सेंट्रलाइज्ड कमांड यूनिकमांड
बनाया गया है। यहाँ से सभी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है आसानी से, किन योजनाओं को पूरी जानकारी कहाँ कैसे पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही, उन सारी चीजों के लिए एक आधुनिकतम सिस्टम है ये। पूरा सेंट्रल इंडिया का ये सेंट्रल इंडिया का ही इसको फर्स्ट यूनिक कमांड सेंटर भी बताया जा रहा है, जिसमें करीब करोड़ों की लागत से इसे तैयार किया गया है और इसमें सभी चीजों का नियंत्रण का एक टेक्निकल तकनीकी रूप से सारी व्यवस्थाएं यहाँ रहेंगी। जी दिलीप, जानना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सुरक्षा के मद्देनजर बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन थोड़ा फेरबदल भी हुआ वक्त को लेकर, इसके साथ ही एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई। जी करिश्मा, क्या है, प्रधानमंत्री जी का पहले मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय हुआ था, उस मिनट टू मिनट कार्यक्रम में थोड़ी बहुत फेरबदल करते हैं, शायद सुरक्षा की दृष्टि से होता ही है आमतौर पर, तो इसके साथ ही साथ सारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, 4000 से अधिक जवानों को लगाया गया है, एसपीजी सुरक्षा उनके हैं ही, उनके साथ में जो आते हैं, उनके अलावा पूरी छत्तीसगढ़ की सुरक्षा एजेंसियां और सारे सिस्टम इनके लिए लगाए गए हैं, 4000 से अधिक जवानों को तैनात किए गए हैं, सारे अधिकारी और ये सारी सेंट्रल पुलिस सीआरपीएफ के जवान सभी लोगों के अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, तैनाती किए गए हैं और हर कार्यक्रम के लिए विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत न हो और किसी भी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके, इन सारी व्यवस्थाएं की गई है। और आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कांग्रेस और एनएसआई ने विरोध की एक तैयारी कर रखी थी, विरोध को लेकर इनका किया था कि प्रधानमंत्री के सामने काले झंडे या दूसरे चीजों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करेंगे इसको लेकर, तो इसको लेकर पुलिस ने सजगता दिखाई और सुबह से ही जितने इनके कार्यकर्ता थे उनकी धरपकड़ की तैयारियां कर दी। तो बिल्कुल सुरक्षा के मद्देनजर बहुत पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया रायपुर पहुंचे हैं, स्मार्ट सिटी के कमांड और कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है, तो सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत कई मंत्री भी मौजूद हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की भी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि माना जा रहा है उनकी तरफ से कुछ विरोध होने जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है।